हेलो एवरीवन, मैं नंदन और मेरे साथ साक्षी है जिनका सिलेक्शन IIIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हुआ है और इनकी JEE मेंस में 99.45 परसेंटाइल थी और इनका गोल था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए, इसलिए इन्होंने IIIT इलाहाबाद चुना। इससे पहले इनको बहुत सारे पुरानी IITs मिल रहे थे तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस ही लिया। ये हम लोग बाद में पूछ लेंगे इन्होंने कंप्यूटर साइंस ही क्यों लिया। सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है मैं ये पूछना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, इस टाइम पे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स, माय टीचर्स, माय फ्रेंड्स। मुझे लाइक आई सक्सेसफुली क्वालिफाइड JEE एडवांस 2021 एंड आई एम जस्ट हैविंग अ ग्रेट फीलिंग अबाउट दैट। ऑल आई वांट टू डू इज थैंक ऑल माय टीचर्स एंड ऑल फॉर दैट पर्पस। और आपकी ये स्ट्रेटजी कैसी थी, तैयारी आपने कैसे किया? लाइक आई केम टू जेनेसिस इन 11th स्टैंडर्ड एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द टीचर्स दे हैव बीन वेरी फोकस्ड हियर। लाइक वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, दे डू नॉट प्रेफर कि पहले स्टूडेंट क्या था क्या नहीं था, बट रैदर वो उनकी क्वालिटीज़ पे यहाँ पर फोकस करते हैं और उनको लास्ट तक प्रॉपरली गाइडेंस के साथ लास्ट में एक अच्छा कॉलेज या कुछ ज़रूर कुछ अच्छा स्टूडेंट बना के भेजते हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिली अकेडमिकली, इट वॉज एवरीथिंग वॉज लाइक एब्सोल्युटली परफेक्ट। और यहाँ पर एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि रादर देन हमारे अकेडमिक्स के अलावा जो एक स्टूडेंट की लाइफ में इन स्पेशली इन दो इयर्स में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के टाइम जो मेंटल प्रेशर आता है, समटाइम्स जब हमें मार्क्स हमारे अच्छे नहीं होते, लाइक ऑल द अप्स एंड डाउन्स, हेयर ऑल द टीचर्स ऑल द फैकल्टी दे आर सो सपोर्टिव मेंटली ऑल्सो कि हमें कभी इतना फील ही नहीं होने दिया। हमें जब भी कोई हम कुछ गलतियाँ करते हैं कुछ भी करते हैं, हमें एक बहुत ही प्रॉपर वे में गाइड करके सारे फेजेस से बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें लाइक ओवरकम किया। अच्छा, आपने कब डिसाइड किया था आपको इंजीनियर बनना है और इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है? इंजीनियरिंग का मैंने अपना 9th स्टैंडर्ड से सोचा था कि एंड स्पेशली लाइक मैं CSIT से अपनी इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहती थी और 9th स्टैंडर्ड से ही मैंने सोचा और मैंने प्रिपरेशन अपनी 11th से स्टार्ट करी थी जेनेसिस से। अच्छा, और यहाँ पे जेनेसिस से क्या सपोर्ट मिला? इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, अफिर्जी है, रेजोनेंस है, बंसल है, लेकिन आपने जेनेसिस को ही क्यों चुना? इन 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने लाइक दे वेंट फॉर कोटा एंड दिल्ली, बट मैं अपने ही होम टाउन में रहकर जेनेसिस पे गई और इस बात का मुझे मतलब लास्ट में बहुत ही अच्छा ही लगता है और मुझे इससे प्राउड ही फील होता है कि मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। मतलब ये एक जेनेसिस की जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि अपने होम टाउन में ही रहकर मतलब स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के भी पास रहते हैं एंड यहाँ पर कभी मेरे को एक कोचिंग जैसा नहीं लगा, इट वॉज ऑलवेज लाइक अ सेकेंड हाउस फॉर मी। यहाँ पर टीचर्स दे आर सुपर सपोर्टिव इन ऑल सेंसेज, अकेडमिकली ऑल्सो मेंटली ऑल्सो लाइक आई मैंशनड, मतलब हर चीज़ में। और जेनेसिस जैसे कि मैंने बताया कि हमें एक अच्छा इंसान भी लास्ट तक बना देता है और एज यू हैव सीन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंड ऑल में हमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने हेल्प किया। अच्छा, आपके जो डाउट्स होते थे उसमें टीचर्स का क्या योगदान होता था? मतलब कम मार्क्स आते थे किसी किसी टेस्ट में, तो आपने उसको कैसे मेंटेन किया? और आप कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाती होंगी, उस समय आपको कौन मोटिवेट किया? बिल्कुल, मोटिवेशन तो एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ रहती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज टू ईयर्स। यहाँ पर स्पेशली जितेंद्र सर होते थे वो हमें क्लासेस में आके उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया था इस बात पर कि मेंटली हमें अपने आप को स्टेबल रखना है। क्या जितेंद्र सर ने ही आपको क्लास 11th में ये सिलेबस क्या होता है, IIT में जाना है, IIT के बाद इतने सारे पैकेज मिलते हैं, एक समाज में रेस्पेक्ट होता है, क्या ऐसा बोल के आपको मोटिवेट किए थे? ऐसा हाँ, कुछ उनका बिल्कुल उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा एक्सपोजर दिया था यहाँ पर आकर, बिकॉज 10th तक एक स्टूडेंट लाइक बहुत ही अपना फैमिली में रहता है, बहुत ही कम रहता है, ज़्यादा सोसाइटी के बारे में नहीं जानता है, बट 11th में लाइक जब मैं यहाँ पर आई तो जितेंद्र सर एंड ऑल द अदर टीचर्स ऑल्सो उन्होंने आकर एक अच्छा एक्सपोजर दिया लाइफ में, तुम्हें एक एम सेट करना चाहिए, उसे अचीव करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल हमें इस डायरेक्शन में सिखाया, IIT के बारे में बताया, कैसे तुम्हें आगे जाके ऑनेस्टली मेहनत कर करके लास्ट तक एक अच्छा कॉलेज अपना लेना है जो तुम फाइनली फ्यूचर में बनना चाहते हो वो बनाना है। बहुत ही अच्छे से जेनेसिस के हर एक मेंबर ने हमें लाइक अच्छे से बताया, अच्छे से सिखाया और सिर्फ बताया ही नहीं, उसको हमें हेल्प भी किया उसे अचीव करने में।
यही कारण है आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं जिनका नेम फेम बहुत बड़ा है उसके बावजूद भी आपने जेनेसिस को चुना और जेनेसिस से आपकी सिलेक्शन हुई है। और सबसे पहले आप अपने जूनियर्स को क्या एक मैसेज देना चाहती है, उनको कैसे स्टडी करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे कितना पढ़ना चाहिए, उनकी वो कौन सी बुरी आदतें हैं जो 2 साल की मेहनत खराब कर सकती है, आप उसके बारे में थोड़ा अपने जूनियर्स को मैसेज दें। यस, द ऑल आई वांट टू से टू माय जूनियर्स इज दैट जस्ट बी कॉन्फिडेंट फॉर द पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो व्हाट द टीचर्स से एंड एकेडमिक्स विल गो वेरी वेल इन दैट डायरेक्शन। एंड द रेस्ट पार्ट विच कम्स इज यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी डे योर फोकस इट शुड बी अप टू मैक्सिमम एंड दैट थिंग कैन ओनली हैपन व्हेन यू विल डू योर हार्डवर्क ऑनेस्टली। जब आप लोग ऑनेस्टली मेहनत कर रहे होंगे, कई बार तब भी टेस्ट में मार्क्स अगर नहीं आते हैं तो हमेशा अपनी टीचर्स के पास जाओ, उनको अपनी मिस्टेक्स बताओ, क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई थी। तो यहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे से हमारी प्रॉब्लम समझते हैं और समझते नहीं, फिर हमें उसे इम्प्रूव करने का भी डायरेक्शन बताते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो वही मैं अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगी कि, और ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए कि अगर एक सब्जेक्ट में लैग ऑन करे जा रहे हैं तो उसे हम थोड़ा लाइक छोड़कर वी मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ऐसे कभी नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा लेकर चलना है, जिसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमेशा टीचर से बहुत ही फ्रैंक होकर हम यहाँ पर लाइक बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं। एंड वही हमेशा मतलब, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू द हार्ड वर्क ऑनेस्टली, ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन लाइफ। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रही है, अगर आपको पुरानी IIT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मिल रहा था फिर भी आपने IIIT इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों चूज किया? Yes, it was my personal choice, you know. Like I've already mentioned, I decided in 9th standard that I wanted to pursue my engineering in CSIT branch. Okay. And that's why I pursued for IIT. आप computer engineer बनने के बाद आपका क्या goal रहेगा? आप अपने देश के लिए क्या करोगे? एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैं अपनी और भी फर्दर स्टडीज काफ़ी अच्छी जगह से परस्यू करने के बाद, लाइक आई हैव दैट ड्रीम इन माय माइंड कि आई ओपन लाइक सो मेनी NGOs एंड ऑल दैट सोशल वर्क फॉर द पुअर। और इसका मतलब आपका गोल सिविल सर्विस में जाने का भी है ताकि उसके थ्रू हम सोशल काम भी करें। यस, समवेयर इन माय माइंड आई हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ थॉट ऑन दैट आल्सो, बट लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक अच्छा, खुद अच्छा एक स्टेबल करियर करने के बाद I definitely want to work for the social things also. बहुत अच्छा है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा आपको जो आपका गोल है आपको मिले। थैंक यू सो मच साक्षी इस इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।